वेलकम टू द चैनल। हम लोग गार्डनिंग लवर्स को जब ऐसे एक्जोटिक प्लांट्स बहुत ही फ्रेश यू नो लुक के साथ दिखाई देता है तो हम लोग यू नो खुद को रोक नहीं पाते हैं। हम लोग को पता होता है कि मेरे यहाँ भी जो क्लाइमेट है मुझे ये नहीं खरीदना चाहिए, फिर भी वी गेट टेम्पटेड एंड ये हम लोग ले आते हैं। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। जैसे मैंने कल वीडियो में दिखाया था कि मैं यू नो मेघालय घूमने गई थी चेरापूंजी साइड, उधर रोड साइड ये प्लांट्स मिल रहे थे एंड मैं ले आई हूँ। और ये देखिए ये सारा प्लांट्स मैं कल लाई थी एंड सारे ही यू नो हिली एरियाज़ में बहुत अच्छे से चलते हैं, वहाँ पर बहुत इजी गोइंग प्लांट्स होते हैं। जैसे आप शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेघालय हो गया, जहाँ पर यू नो मौसम 22-23 डिग्री से मैक्सिमम 27-28 रहता है, वहाँ पर ये बहुत विदाउट एनी एफोर्ट भी आराम से चल सकता है। मैंने दार्जिलिंग में भी देखा है यू नो पिछले साल। लेकिन मेरे यहाँ जुलाई अगस्त बहुत ही ज़्यादा यू नो दिक्कत वाला मौसम होता है, फिर भी मैं लाई हूँ और एक एक करके आपको दिखा भी लेती हूँ। तो ये बेगुनिया देखिए, इसका जो साइज़ है ये मेरे हाथ के डबल से भी ज़्यादा है, इतना बड़ा पत्ता है। और उस साइड में फ्रेंड्स बेगुनियास इतने अच्छे होते हैं, कल आपने शायद देखा भी होगा मेरा छोटा सा दुकान का ओवरव्यू में। और ये जो साइज़ होता है ना ऑटोमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक ही होता है और लीफ कॉम्पोस्ट वगैरह ही उधर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ईजीली ये ग्रो करते हैं। मेरे यहाँ तो सर्दी में भी इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा, फिर भी मैं इस बार चैलेंज के हिसाब से लाई हूँ एंड आई विल ट्राई कि ये अगस्त का महीना अगर चला जाए सेप्टेम्बर 15 से, ये इसमें कोई यू नो खतरा नहीं रहेगा कि मेरा प्लान ख़राब हो जाए। फिर अभी मैं इसको थोड़ा यू नो अच्छा से रखूँगी एंड ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो मैं इसको अभी तो नहीं छेड़ूंगी, रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करूंगी। नाउ माई एम विल बी जस्ट टू प्रोटेक्ट इट। और इसको देखिए नया ग्रोथ काफ़ी सारा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा एक्सोटिक एंड यू नो बहुत सुंदर लग रहा है ये मुझे। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये साइज़ तो मुझे मिलेगा नहीं, छोटा छोटा प्लांट यहाँ पर 150 से 250 में मिलता है और ये इतना बड़ा सा प्लांट मुझे 150 में मिला है उधर, तो मैं कैसे रोकती अपने आपको, आप ही बोलिए। तो वही हुआ एंड इट्स लाइक सो मेजमराइजिंग टू लुक एट, इतना ज़्यादा ब्यूटी है इसमें। तो मैं आपके साथ रेगुलर अपडेट दूंगी कि कैसा चल रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो लेट्स सी, थोड़ा हम लोग को चैलेंज भी लेना चाहिए गार्डनिंग में। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी ठंडा इलाके में बहुत सुंदर से चलता है जो फ्लावरिंग बेगोनिया, इसमें बल्ब्स भी होता है नीचे। तो फ्रेंड्स ये इतना सुंदर प्लांट है एंड मुझे इस वॉज अ चैलेंज फॉर मी। ये भी 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, बहुत सारे न्यू ग्रोथ से कली है, फ्लावर खिल भी चुका है और नया पत्ता का कलर भी कितना फ्रेश है। 10 इंच के पॉट में भी ये बहुत ही ऑर्गेनिकली रिच यू नो पॉटिंग सॉइल में लगा हुआ है। तो जहाँ अकाल में लाई थी वहाँ पर 21-22 डिग्री सेल्सियस होता है एंड बरसात भी यू नो काफ़ी होता है एंड बहुत ज़्यादा एक फ्रेश एयर है, तो वो साइड में बहुत अच्छा से ये इजीली ग्रो हो जाते हैं, कोई एफर्ट नहीं चाहिए। यू नो बाहर रह जाता है, धूप वगैरह भी पड़ता है क्योंकि उधर का धूप हल्का होता है, मेरे यहाँ इतना ज़्यादा यू नो सफोकेटिंग वाला गर्मी है अभी। तो इसीलिए मुझे अभी फर्स्ट इनिशियली आई विल ट्राई कि जो इसका वेदर चेंज हुआ है, क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, उससे मुझे इसको ताकि ये प्लांट शॉक में ना जाए, क्योंकि इसको 20 डिग्री से सडनली 40 डिग्री मिल रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट आई विल मेक श्योर कि ये कोई शॉक में ना जाए, उसके बाद मैं धीरे धीरे इसका देखभाल अच्छे से करूँगी। तो अभी तो 7-10 डेज मैं इसको फुल शेड में रख दूँगी एक कोने में, तो आपको शायद ओवरव्यू वगैरह में ये देखेगा भी नहीं, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है दूर से। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई हैप्पीनेस एंड द ब्यूटी दैट आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी विद ऑल ऑफ यू। तो ये दोनों बेगुनियाज देखिए, नेक्स्ट ये जो बेगुनिया है ये काफ़ी कॉमन है और ये इन दोनों में से ये थोड़ा हार्डी भी है। ये देखिए इसका फ्लावर, ये जो खिला हुआ फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है। ये सेप्टेम्बर मिडल से मेरे यहाँ बहुत अच्छे से मिल भी जाता है एंड बहुत अच्छे से चलता है। ये एक पॉलीबैग में लगा हुआ है और ये मैंने दिया है 40 रुपीज़, ये सस्ता भी है एंड ये थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि इसका अदर वैरायटीज़ भी मेरे पास है तो ये चल जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है एंड बेगोनियाज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए कभी कभी मेरा ख़राब होने से भी मैं फिर से यू नो लाती हूँ एंड लाने के टाइम में सोचती हूँ नहीं इस बार मेरा ठीक से चलेगा ऐसा। आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू बेगोनियाज यू नो, कोई कोई होता है ना, किसी किसी का कोई कोई प्लांट के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है। उसके बाद ये फिर से मैं एक फुचिया का प्लांट लाई हूँ, फिर से इन द सेंस कि मैं एक ही बार लाई थी इससे पहले, आई थिंक 3-4 साल पहले। उस बार लाने के बाद वो प्लांट मेरा नहीं चला था क्योंकि मुझे तब रख रखाव पता नहीं था। तो फ्रेंड्स इसका रख रखाव
एजेलिया जैसा ही है, ठंडा इलाके में तो एकदम इजी टू केयर प्लांट है, आप जस्ट लगा के छोड़ दो अपने आप फ्लावरिंग करता है। इसमें देखिए कितना कली है, लेकिन मेरे यहाँ वही सेप्टेम्बर मिडल तक इसको थोड़ा शेड में अच्छा से रखना पड़ेगा, एंड बहुत सुंदर फ्लावर आता है। तो इस बार इसलिए मैंने आफ्टर 4 ईयर्स मैंने सोचा है 100 रुपीज़ में मिल रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ अगर मिलता है तो सर्दी में ही मिलता है एंड थोड़ा प्राइस होता है अराउंड 200-250 हो जाता है, और इतना बड़ा प्लांट भी नहीं मिलता है, तो इसलिए 100 रुपीज़ में मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा रिस्क लेते हैं। उसके बाद ये पेपरमिया रोसो, मुझे ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसका एक हल्का जो कलर है वो ऑलरेडी मेरे पास है, आपने शायद देखा भी होगा, मैं पिछले साल दार्जिलिंग से लाई थी, ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ में। एंड फ्रेंड्स ये एक्चुअली कभी कैमरा में कभी कभी पता नहीं चलता, ये 6 इंच पॉट में लगा हुआ है, तो काफ़ी बड़ा प्लांट है। एंड ये मैं हमेशा बॉटम वाटरिंग करती हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट यू नो थंब रूल फॉर दिस प्लांट। ये उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसको मैं कहाँ रखूँगी वो भी मैं बोल देती हूँ, जहाँ पर मैंने अपना एपिस्किया रखा है, जो प्लांस्टन आपने देखा है उधर रखूँगी अभी सितंबर मिडल तक। उसके बाद जो सिंगोनियम वाला एपिस्किया के अपोजिट में जो सिंगोनियम वाला प्लांस्टन है, तब अक्टूबर से जब धूप कम हो जाएगा तब उधर रखूँगी। उसके बाद ये अभी 2 नॉर्मल प्लांट में दिखाऊँगी, एक तो इसको इधर बटरफ्लाई प्लांट बोलते हैं, इसको इसका मुझे एक्चुअल नाम पता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पत्ता होता है एंड इसको ये बहुत हार्डी भी है। इसको मैं लाई हूँ 30 रुपीज़ दे के, एंड ये थोड़ा बालू मिट्टी में लगा हुआ है, तो इसको मैं रखूँगी अपना जो कोलियस वगैरह के साथ रखूँगी, थोड़ा यू नो कलर कंट्रास्ट के लिए, तो इसको लेके मुझे उतना चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ वही 3 बेगोनिया एंड 1 पेपरमिया एंड मेरा फुसिया को लेके ही मुझे थोड़ा चिंता है, लेकिन ये सारे ही प्लांट मैं आपको अपडेट दूँगी। और फ्रेंड्स उधर दुकान में जो लेडी से मैंने लिया है उनके साथ मेरा दोस्ती हो गया था, एंड समहाउ शी लाइक्ड मी अ लॉट, तो मुझे उन्होंने ये गिफ्ट दे दिया है, फिलोडेंड्रन ब्राज़ील का ये छोटा सा प्लांट। ये मैंने ख़रीदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है, बट शी गिफ्टेड मी, मुझे बहुत प्यार से उन्होंने दिया है, एंड शी वॉज़ अ वेरी काइंड लेडी, तो मुझे आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हर, उन्होंने मुझे ये दिया है। एंड ये एक प्लांट है जो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास एक छोटा सा क्यूट सा टेराकोटा प्लांटर खाली हुआ है, तो उसमें मैं लगाऊंगी, लगा के आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी ज़रूर। तो एनी प्लांट जो भी मुझे मिलता है आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल। तो ये मेरा छोटा सा प्लांट शॉपिंग था, एक बार फिर से ओवरव्यू दिखा देती हूँ, तो यही है। ये 2 जो बड़े बेगुनियाज हैं इसको मैं अभी से ही सोच रही हूँ कहाँ रखूँगी, तो थोड़ा प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गर्मी में, तो प्लेसमेंट थोड़ा मुझे एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा, तो लेकिन मैं इसको कंप्लीट शेड में रखूँगी, लेकिन बाहर जहाँ शेड इंडोर नहीं रखूँगी, क्योंकि इंडोर अच्छा से नहीं चलता है मेरे फ्लावरिंग बेगुनियाज, लेकिन मेरे पीछे साइड में जो एरिया है जहाँ पर कंप्लीट बिल्डिंग का शेड है, धूप नहीं आता है, लेकिन यू नो फुल एयर फ्लो एंड इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आता रहता है, वहाँ पर ही मैं सोच रही हूँ। और बरंदा में भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है, लेकिन देख लेती हूँ क्या होता है, तो वो मैं कल परसों फिर से थोड़ा अपडेट करूँगी। एंड विश मी लक कि मेरे ये जो थोड़े जो डेलिकेट हिली एरियाज़ के जो प्लान्स हैं वो थोड़े चल जाए, एंड आई होप कि आपको ये थोड़ा सा एक्सोटिक थोड़ा सा यू नो अनकमन प्लांट्स का यू नो हॉल अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।